टी20 वर्ल्ड कप 2022 में गुरुवार शाम जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, जिम्बाब्वे की इस जीत के साथ पाकिस्तान लगभग इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने पाकिस्तान के सामने 131 रनों का आसान लक्ष्य रखा था, मगर कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी एक बार फिर फेल होने के बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज इस लक्ष्य को हासिल करने से चूक गए। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की इस हार के बाद कप्तान बाबर का जो रिएक्शन कैमरे में कैद हुआ है वो देखने लायक है। हालांकि आपको बता दें कि आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को जीत के लिए 3 रनों की दरकरार थी। ब्रेंड इवास की फुल लेंथ गेंद पर जोरदार प्रहार कर साइन अफरीदी ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेला और 2 रन की दौड़ लगाई। अगर पाकिस्तान वहाँ 2 रन पूरे कर लगे थे तो सुपर ओवर तक मैच जा सकता था, मगर आखिरी गेंद पर पाकिस्तान पर चुस्त खड़े जिम्बाब्वे के फील्डरों ने उन्हें यह मौका नहीं दिया। फील्डर ने सीधा थ्रो विकेट कीपर चक्काबा की ओर फेंका। चक्काबा के हाथ जरूर गेंद छिटक गई थी, मगर अंत में उन्होंने शाहीन को रन आउट कर टीम को जीत दिलाई। इस रन आउट के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम सहित सभी खिलाड़ियों ने संतप्ति दिखे। डग आउट में बाबर आजम दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे दिखाई दिए और यह दृश्य कैमरे में भी कैद हुई। पाकिस्तान की यह टी20 वर्ल्ड कप 2022 में लगातार दूसरी हार है। जिम्बाब्वे से पहले भारत ने उन्हें धूल चटाई थी और पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो उन्हें सुपर 12 के अन्य 3 मैच जीतने के साथ साथ अन्य टीमों की हार पर भी निर्भर रहना होगा। तो आपको यह न्यूज़ कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।